डमी एंड हेयर इज द एडमिट कार्ड ऑफ सी पी सी बी इज रिलीज टूडे जो कि डेट आपको कल मैंशन की गई थी छः जून मैंशन की गई थी डेट आपकी लेकिन आपका एडमिट कार्ड जो है ना वो रिलीज़ हो चुका है सो so, अभी अगर आप सी पी सी बी की वेबसाइट पर जा रहे हैं तो आपको कहीं पर भी एडमिट कार्ड देखने का मौका नहीं मिल रहा है तो एक्चुअली हमारे पास में मेन पार्ट ये है कि एक्चुअली एडमिट कार्ड जो है आपका डाउनलोड कैसे करना है ठीक है सो एग्जाम के डेट ऑलरेडी आप सबको पता है 18 जून को एग्जाम होने वाला है जितनी भी हमारे पास साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए जो हमारा एग्जाम है शाम को साढ़े चार बजे से साढ़े छह के बीच होने वाला है दो घंटे का हमारा एग्जाम है बाकी सारे सेशन के बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी है बात ये करने वाले हैं यहाँ जन्मू की कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाए सर एक्चुअली ठीक है तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ ठीक है ना एंड इसके अलावा जितने भी काम करेंगे जिनके स्टूडेंट है वो मेरी बात को लास्ट तक ध्यान सुनिएगा रीजन ये कि आपके एक बहुत काम की बात आपको मैं ना यही लास्ट में बताने वाला हूँ सो so, अभी आपसे अगर मैं बात करता हूँ तो अभी आपके पास में जो आपके पास पेज होता है कैरियर पेज होता है वहां पर जाकर के आप देखेंगे आपका जो होम पेज होता है आप होम पेज तो खोल लेते हैं ठीक है ना ये आपका होम पेज है आप इसको आराम से ओपन कर लेते हैं एक्चुअली आपको जाना होता है आपके जॉब सेक्शन की तरफ तो जॉब सेक्शन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं जॉब्स में जाकर के तो आपके पास ये पेज लिख के खुल के आता है यहां पर आपको किसी भी तरह का एडमिट कार्ड देखने का मौका नहीं मिल रहा यहाँ पर कोई भी नोटिस एडमिट कार्ड से रिलेटेड नहीं है ठीक है इसके अलावा अभी जो आपके पास में रिजल्ट एंड रिक्रूटमेंट जो नोटिस आप देख रहे हैं जो कि हमारे पास एक नोटिस भी आया था कि हमारे पास एडमिट कार्ड जो है ना वो छह जून को रिलीज कर दिया जाएगा ये नोटिस लेटेस्ट नोटिस हमारे पास आया था नोटिस हमारे पास फाइव था ठीक है तो इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मेरे पास में क्या सिर्फ डेट आपके पास नोटिस है बाकी कुछ भी यहाँ पर मैंशन नहीं है एक्चुअली क्या करना है कैसे अब एडमिट कार्ड मिलेगा ठीक है ना डाउनलोड होना तो स्टार्ट हो चुका है आपने अभी तक देखा नहीं है कुछ नहीं करना है आपको जाकर के सिंपली आपके पास में जो करंट जॉब आपके पास जो पेज था ना ये वाला पेज जो मेन आपके पास पेज था इसमें आपके पास जहां से आपने अप्लाई ऑनलाइन फॉर द जॉब किया था उसी बड़ी बड़ी लिंक में आपको क्लिक करना है आप जैसे ही इस लिंक में क्लिक करने जाते हैं आपको एक एक्सटर्नल साइट पर ले जाएगा आप यहाँ पर ओके करके अपना जहाँ से आपने अप्लाई किया था ये आपके पास पोर्टल आई दिल्ली का है वहीं से अपलीकेशन आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था यहीं से अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था यहीं से फीस सबमिट की थी आप इसको सिंपली ओपन कर लें कोई भी इनमें से लिंक हो आप क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं आप जैसे ही यहाँ पर ओपन करने जाएंगे ठीक है तो आपके पास लॉग इन करने के लिए आएगा ठीक है ना वहाँ पर अपनी मेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉगिन कर लेंगे ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है इसलिए मेरे पास वो दोबारा से पेज नहीं आ रहा है लॉगिन करने वाला ठीक है ना आप यहाँ पर अगर दोबारा से फिल करेंगे मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ अगर आपको समझ नहीं आया आप इनमें से कोई भी लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा लाइक दैट ठीक है ना ये यहाँ पर अपना मेल आई और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप सिंपली लॉग इन करेंगे तो लॉग इन में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डैशबोर्ड खुलेगा आपका ये डैशबोर्ड इस तरह से खुल के आएगा ठीक है इस डैशबोर्ड के अंदर आपको अभी दिख रहा होगा अभी आपके पास में डैशबोर्ड में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड फॉर्म अपलोड एडमेंस ये सारे आपके पास ऑप्शन दिख रहे होंगे आपका जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन है आप इसको सिंपली क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड का डिटेल्स आ चुकी हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा ठीक है ना मेरा भी एडमिट कार्ड है मैं भी मिलूंगा आपको टेंशन मत दो तो आपने जो भी अपनी एडमिट uh, कार्ड में जो भी आपने अपने सेंटर प्रेफरेंसेस दी होंगी एग्जाम सेंटर प्रेफरेंसेस सभी को आपको जो पहला प्रेफरेंस होगा जो भी सिटी आपने दिया होगा वहां पर आपको आपका एडमिट कार्ड में वो सिटी आपको मिला है ठीक है ना जाके एक बार चेक कर लीजिएगा तो यहां पर आपके पास रोल नंबर भी मैंशन है हमारे पास साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए ठीक है क्या का इंजीनियरिंग के लिए अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड आपको दिख जाएगा मैं डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ आप अपना जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं तो इसके लिए आपको उसी पोर्टल पर लॉग करना है जहाँ से अपना फॉर्म आपने फिलअ किया था ठीक है ना होपफुली सबको समझ में आ गया होगा बाकी ये डाउनलोड फॉर्म के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको जो है ना ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं आपने अगर फॉर्म अभी तक डाउनलोड ना किया तो उसको भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा इन फ्यूचर आप अगर इंटरव्यूज देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है ठीक है बाकी डैशबोर्ड के अंदर जो प्रोसेस था वो आपका कंप्लीट है तो एडमिट कार्ड सेक्शन में जा करके ही आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है डेट आपको पता है अठारह जून आपकी डेट है और शाम को साढ़े चार बजे से आपका एग्जाम है अब जितने भी बंदे कामकाल इंजीनियरिंग वाले हैं उन सभी के लिए आप ऐसा कि जैसे हम लोगों को बताया गया है कि मैं और सैलन सर आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट चीज़ प्लान करके ला रहे हैं दैट इज़ द मॉक टेस्ट कैसा आपके लिए पैटर्न एग्जाम का है वो तो आपने देखा है पढ़ा है लेकिन एक्चुअली फील नहीं किया है ठीक है तो दो घंटे के अंदर पचास क्वेश्चन कैसे टैकल करने कितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने एमएसक्यूज कितने एनएटीज कैसे आप टैकल करेंगे वन मार्क क्वेश्चन टू मार्क्स क्वेश्चन इसके लिए प्रॉपरली हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं ठीक है जो कि आपके स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा ये मॉक टेस्ट जो है ना पहला मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी ले चुका था जो कि स्टार्ट हुआ था आपका थर्ड ऑफ जून से ठीक है मैं ऑलरेडी ले चुका हूं फर्स्ट मॉक टेस्ट ये मॉक टेस्ट नंबर टू जो है ना सलेंसर लेकर के आ रहे हैं आपके लिए कल दोपहर में ग्यारह बजे मतलब मॉर्निंग ग्यारह बजे रहेगा आपका ठीक है तो इसके लिए आपका लिंक अवेलेबल है ठीक है आप जाकर के फटाफट इन करना स्टार्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलरली टेस्ट का लिंक आपको इसी आ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहां से आप फील ले जा सकते हैं जाकर के एक्चुअली काम का इंजीनियरिंग के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है बिकॉज आप सभी देख रहे थे जैसा कि अभी तक कि हमारे पास पूरा का पूरा जो पेपर है हमारा वो आई टी दिल्ली में भी डिजाइन कर रहा हो जहां तक हम लोग को उम्मीद है बिकॉज सारा का सारा काम आर टी दिल्ली ही हैंडल कर रहा है चाहे लॉइन पोर्टल हो चाहे आपका एडमिट कार्ड हो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि आई टी दिल्ली ही हमारे पास में पोर्टल उसने अवेलेबल कराया है उम्मीद यही कर रहे हैं कि आर टी दिल्ली ही पेपर डिजाइन करेगा आप समझ सकते हैं कि आई टी दिल्ली गेट का पेपर तो ऑलरेडी डिजाइन करता है ना तो आप सभी के लिए जो है ना एक चैलेंज होने वाला है तो चीजों को बस इतना ध्यान रखना है ये मॉक टेस्ट जरूर दीजिए यहाँ से आपको एक फील आने वाला है कैसा पेपर आपको मिलेगा अगर फर्स्ट वाला मिस कर दिया था तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अवेलेबल है जाकर के उसको ट्राई करके देखिए सेकंड वाला मॉक टेस्ट मॉकटेसल सर्कल लेकर के आएंगे ठीक है ना तो आपकी प्रेजेंस जो है ना बहुत नसरी है बिकॉज जो क्वेश्चन पेपर आपको डिजाइन करके दिया जा रहा है तो वो आपको एक्चुअली एक रेफरेंस है कि ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको मिल सकता है ठीक है तो एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करिए जो बचे हुए आपके पास में अभी जो आपके पास बचे हुए ग्यारह दिन इन ग्यारह दिन के अंदर अपनी मेहनत करिए ये आपके लिए एक बिल्कुल फेयर एग्जाम है जहां पर किसी भी तरह का कोई भी आपके पास में क्या है रोक टोक नहीं है आप अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पर अपना जॉब ग्रैप कर सकते हैं ठीक है ना सिर्फ रिटर्न निकालिए देन आपको इंटरव्यू फेस करना होगा देन आपका सिलेक्शन पक्का है कोई भी ग्रेड स्कोर आपसे नहीं मांग रहा आपके अंदर अगर क्षमता है आपके अंदर कैपेसिटी है अगर आप प्रूफ कर सकते हैं कि यू आर बेटर देन द गेट एंकर डेफिनेटली आप करिए प्रूफ ठीक है आपको दोबारा मौका एक लाइफ का मिल रहा है बेस्ट आपको पोस्ट मिल रही है साइंटिस्ट बी की पोस्ट है ठीक है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है कोई पी नहीं है ठीक है तो इसके लिए जो है ना आप फटाफट से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए तो कल मिलते हैं सल के क्वेश्चन के साथ में ठीक है ना ग्यारह बजे आपका सेशन है ठीक है अगर इनरॉल ना किया तो फटाफट जाकर इन्वॉल कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस सेशन का लिंक मिल जाएगा ठीक है चलिए तो इस सेशन को आज हम लोग यहीं से खत्म करते हैं ना इस बातचीत को यहीं से खत्म करते हैं बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो मेरे थ्रू आपको मिलते रहेगी तब तक के लिए थैंक यू बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स करके थैंक यू